बच्चों आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है टी पॉट। टी पॉट आप लोग देखे होंगे अपने घरों में या दुकानों में भी देखे होंगे, है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये टी पॉट क्या क्या बताती है अपने बारे में। आई एम अ लिटिल टी पॉट। आई एम अ लिटिल टी पॉट। देखिए ये इंग्लिश में कविता है, अब इसका हम लोग जानेंगे कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर लिखा आई एम अ लिटिल टी पॉट, मतलब ये लिटिल टी पॉट है जो बता रहा है कि मैं एक लिटिल टी पॉट हूँ। टी पॉट मीन्स केतली, मैं एक छोटा केतली हूँ। शॉर्ट एंड स्टॉट, मैं छोटा हूँ और स्टॉट माने होता है मजबूत। मैं छोटा हूँ और कैसा हूँ, मजबूत हूँ। दिस इज माई हैंडल, ये आपको देखिए ये क्या है, इसका हैंडल है, मैं देखिए लिखा हूँ। और ये दिस इज माई हैंडल, दिस इज माई हैंडल, यह मेरा हैंडल है जिसको हम पकड़ते हैं, ठीक है, जिसे हम पकड़ते हैं वो क्या है हमारा, ये हैंडल है। एंड दिस इज माई स्पोक, और ये स्पोक मतलब का टोटी, ये इस टी पॉट की टोटी है। तो ये बोल रहा है कि दिस इज माई दिस एंड दिस इज माई स्पोक। अगला शब्द है व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग, जो इस टी पॉट में वाटर है उसको हम बॉइल करते हैं तो क्या होता है। हियर मी शाउट, आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं। जस्ट लिफ्ट मी अप, मुझे थोड़ा सा उठाइए और उसके बाद क्या करते हैं, एंड पोर मी आउट। पोर माने होता है उड़ेलना, तो आप मुझको थोड़ा सा ऊपर उठाइए और उड़ेल दीजिए। देखिए यहाँ से टी पॉट से जब उड़ेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर मग रखा है, इस मग में चाय हो चाय गर्म पानी हो, है ना, जो भी हो इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से ये टी पॉट अपने बारे में बता रहा है। सबको समझ में आया? यस।